गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल होने वाले नवोदय विद्यालय परीक्षा में यदि आप शामिल हो रहे हैं प्रवेश परीक्षा में, तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ हम बता दे रहे हैं जो कल संभावित है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं अभी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूं। इसमें बच्चा अक्सर फंस जाता है क्वेश्चंस में, तो उस क्वेश्चन को पढ़ करके हम कैसे आसानी से बना लें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को काम आएगा, मैं दोनों तरीका से समझा देता हूँ। क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप और ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार ये रिवीजन कराने का काम है, हम एक बार थोड़ा रिकॉल कराते हैं कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन चाल, समय और दूरी के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि अ कार इज रनिंग फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार ए से बी तक चलता है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड दी हुई है हमें 40 किलोमीटर पर आवर, माने चाल दिया हुआ है ट्रेन की, यानी कार, सॉरी कार की। इट कवर्ड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस माने कह रहा है क्वेश्चन कुल दूरी का आधा, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस तय करता है, कवर्ड मींस तय करता है। इट कवर्ड हाफ द हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन टू आवर, यानी कुल दूरी के आधे को वह कार दो घंटे में तय करता है। तो सीधा सीधा प्रश्न में ये बात समझ में आ जा रही है कि आधी दूरी को यदि दो घंटे में दूर तय करता है, तो पूरी दूरी को कितने मिनट, कितने समय में दूर तय करेगी। दो घंटे में जब आधी दूरी को तय किया, तो सरलता से बच्चे को समझ में आ जाता है कि बात हमको जब पूरी दूरी तय करनी है तो उसका डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास स्पीड कितना हुआ, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखिए स्पीड हमको मालूम है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका स्पीड। टाइम कितना हो जाएगा हमारा, पहले का टाइम है 2 आवर्स, 2 आवर्स कितने लिए हुआ, आधी दूरी तय करने के लिए। तो जब पूरी दूरी तय करेंगे तो टाइम हमारा हो जाएगा 4 आवर, दो घंटे का 4 घंटा हो जाएगा। अब सीधा सीधा आप फार्मूला में रख दें, हमारा फार्मूला क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, माने कि दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला में हम रख दें तो स्पीड के जगह पर हो गया 40, डिस्टेंस को निकालना है, टाइम हो गया 2 आवर्स की जगह पर 4 आवर्स, क्योंकि डबल दूरी तय करनी है, आधी दूरी को 2 घंटे में किया है। अब ये इसको आरटी से हम इधर ले आए तो डिस्टेंस निकल आएगा आपका, बहुत कम समय में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 × 4, यानी डिस्टेंस आपका आया 40 × 0 = 4 × 4 = 60, 160। अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर, तो 160 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी पे है, ए में 40 किलोमीटर है, बी में 60 है, सी में 120 किलोमीटर, डी का ऑप्शन देखिए आपका सही आंसर आ गया। तो इस प्रकार से उस कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 160 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चे समझ में आना चाहिए बात, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो बहुत आसानी से हल कर लेगा। देखते हैं सॉल्व करके कि अ बस कवर 60 किलोमीटर इन 2 आवर, एक बस जो है वो दूरी तय करती है 2 घंटे में 60 किलोमीटर। तो प्रश्न कह रहा है एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्या क्या चीज मिल गया हमको, दूरी पता चल गई, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, और समय पता चल गया 2 आवर्स। आगे कहता है क्वेश्चन कि इन 30 मिनट इट विल कवर, तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए इस बात को ध्यान में रखिए कि 2 घंटे में, यहां से इधर आते हैं, 2 घंटे में कोई बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है 60 किलोमीटर, तो इसका आधा कर दें यदि हम 1 घंटे में, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 60 का आधा 30 माने 30 किलोमीटर तय करेगा। और यहां हमको निकालना किसका है, 30 मिनट का ही, देखिए 30 मिनट में, यहां मिनट लिखा हुआ है, मिनट 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, आधे घंटे में, 1/2 आवर हुआ, 1/2 मतलब आधा घंटा। तो देखिए 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 1 घंटे में पहले निकालेंगे 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, तो आधा घंटे में माने 30 मिनट में कितना हो गया, उसका भी आधा हो जाएगा 30 का। तो इस प्रकार से 60 किलोमीटर का हाफ 1 घंटे के लिए करें तो 30 किलोमीटर हो गया,
और आधा घंटा के लिए 30 का भी आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, माने 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बना हमारा, सी। तो आपको सी पे पूरा डार्क करना है गोला। ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन में एक ही आंसर को ए बी सी या डी में से किसी एक को ही आपको आंसर लगाना है, डार्क करना है। हड़बड़ी में क्या होगा कि आप जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर आया तो आप सी को गोला किए, इसके बाद अगले क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है पता चले कि उसका बी आंसर सही है तो कई बार हड़बड़ी में ऊपर वाले का भी खाली था उसमें लग सकता है, नीचे वाले 3 या 4 का जो ऑप्शन होगा उसमें लग सकता है। तो इस बीच इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जिस ऑप्शन में आपने सही चयन किया है सॉल्व करके रफ करके वहां थोड़ा एक पॉइंट लगा ले और एक बार इंश्योर हो जाए कि हाँ आपने सही जगह पर डार्क करना है, वो पॉइंट लगाया है कि नहीं, वही सही में आपको डार्क करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कहता है एन एयरक्राफ्ट, माने एयरक्राफ्ट माने कोई प्लेन समझ लो आप, कोई भी एयरक्राफ्ट हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज है ना। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज 8 किलोमीटर पर मिनट। ध्यान रखना जब भी किलोमीटर या मीटर पर मिनट पर आवर यदि पर सेकंड इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लेना वो क्या दिया हुआ है, स्पीड। तो 8 किलोमीटर पर मिनट हमको क्या मिला, एयरक्राफ्ट की स्पीड मिल गई। व्हाट इज इट्स स्पीड, तो उसकी स्पीड हमें निकालना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ये देखिए हर एक ऑप्शन के नीचे में किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर कहता है। तो अब हम जब स्पीड निकालेंगे तो ये भी स्पीड तो है लेकिन ध्यान रखिए किलोमीटर है पर मिनट में और हमको निकालना किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड इज इक्वल टू, आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 8 किलोमीटर, चलिए वो तो किलोमीटर में हो गया ये लो, और आप देख रहे हैं कि नीचे हमारा क्या है 1 मिनट है, ये देखिए। तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 8 किलोमीटर तो किलोमीटर में ही रहने दीजिए और 1 मिनट में, हम जब मिनट को आवर में चेंज करेंगे क्योंकि ये आवर में दिया हुआ है तो क्या होगा 60 का डिवाइड। जब भी हम हायर यूनिट को लोअर यूनिट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, और जब लोअर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा। तो लोअर यूनिट मिनट है, उससे बड़ा क्या है हायर यूनिट आवर है, इसलिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1/60 आवर, ये बन गया मिनट का आवर। जब हम इसको आगे फिर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8/1 और ये 1/60 है, पलट देंगे तो हो जाएगा 60/1। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 8/6 = 48, माने 0 का 0 और 8/6 = 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, बी। तो इसको बी में आपको डार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको सॉल्व करना रहेगा। देखिए अ ट्रेन पासेस अ पुल, एक ट्रेन है जो कि एक खंभे से पास कर रही है, ट्रेन गुजर रही है, एक ट्रेन एक खंभे से गुजरती है इन 40 सेकंड में। कितना टाइम लगता है उस ट्रेन को गुजरने में, किसी खंभे को पार करते समय कितना समय लगा उसको, 40 सेकंड का। मूविंग एट अ रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, माने ट्रेन की स्पीड हमें मालूम हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, लेंथ कितनी होगी, 400 मीटर, 500 मीटर, 450 मीटर और 395 मीटर, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं इसको, रफ करना आप भी वहां। तो आपको पहले से पता है, कुछ तो पढ़े होंगे आप इस चैप्टर से रिलेटेड, जब भी हमारे पास समय और स्पीड मालूम है तो हम देखते हैं स्पीड किस में दिया हुआ है। जैसे स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर है और समय कहता है सेकंड में, 40 सेकंड, इसका मतलब हमको इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करें इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए, स्पीड निकालेंगे 36 × 5/18 का जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं वो बन जाता है मीटर पर सेकंड। देखिए अब 18 बन जाए, 18 टू जा 36 कैंसिल हो गया तो हमारा स्पीड कितना बन गया, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल गया।
आगे देखिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है, माने ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, आप पहले भी पढ़े होंगे उसके थ्योरी को। तो आप देखिए जो ट्रेन की लंबाई है वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा निकाल सकते हैं हम, टाइम निकाल लिए कितना है, टी हमारा हो गया 40 सेकेंड। ये देखिए इसलिए हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 10 इंटू 40 यानी 400 मीटर, ये मीटर में आ चुका है, इसलिए आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, 400 मीटर। लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग। आपको पता होगा कि हम अभी बताया भी हूं और पहले भी आपको पता होगा कि ट्रेन की लंबाई यदि दी है तो हमारी क्या होगी, डिस्टेंस। फिर आगे कहता है कि लॉन्ग टू 12 सेकेंड, माने एक ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है जो कि 12 सेकेंड में पास करती है टू पास 90 मीटर लॉन्ग टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई, टनल की लंबाई दोनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में टनल के जगह पर आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ दे देगी, लंबाई लॉन्ग कितनी लंबी प्लेटफॉर्म है, तो हम क्या करेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको देखिए क्या दिया है, ये है हमारा 90 मीटर टनल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है 210 मीटर है, तो टोटल क्या मिला डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 210 और प्लस 90 मीटर, यानी 10 प्लस कर देंगे 90 में तो हो जाएगा 100 और 200 मिला करके 300 मीटर हो गया हमारा डी, यानी डिस्टेंस मिल गया। इसको पार करने में कितना समय लगा, 12 सेकेंड, माने टाइम हो गया 12 सेकेंड। तो अब क्या फाइंड करना, देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड निकालनी है। तो फार्मूला हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुरंत आप रफ करके फट से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, डिस्टेंस हो गया 300 और अपॉन 12 सेकेंड। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। डिवाइड तो सबको आता होगा, आप आंसर तक भी पहुंच जाएंगे आराम से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप इसी तरह के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहिए और अलग अलग क्वेश्चंस भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन समय थोड़ा कम है इसलिए एक क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम स्पीड से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट टाइम हम परसेंटेज पर भी बात करेंगे, आज का ही समय है, आप सारे चैप्टर्स के फार्मूला आदि को एक बार रिकॉल कर लें। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अच्छे से बनाओ, मन लगा के करिएगा, हर क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और जो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है उसको आप पहले बनाइए, जो क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगेगा उसको बाद में एक बार रिकॉल करते हुए अलग से रिवाइज करने के टाइम सॉल्व करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, ठीक लगा, समझ में आया होगा, बच्चों के हित में है, तो आप एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबा दीजिएगा तो आपको नए नए वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को, शुभकामनाएं परीक्षा की, थैंक यू।